अब देख रहे हैं पुलिस कर्मियों को वाहनों की जांच करते हुए, और इस तरह रेत बजरी के ट्रकों से एम फॉर्म लिए जाते हैं जिन पे साइन किया जाता है ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल ना हो। और इस तरह कल भी पुलिस द्वारा यहां नाके पर ना रुकने वाले दो ट्रकों पे चला किया जाए। अभी आप देख रहे हैं हिमालयन लाइमस्टोन माइन से निकला एक ओवरलोडेड ट्रक, और इस तरह हर रोज दर्जन भर से अधिक ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं। और स्थानीय पुलिस कर्मियों के मुताबिक यहाँ बेल्ट दीजा अथवा धर्म काटा ना होने के चलते ओवरलोडिंग के चलान नहीं कर रहे हैं, और इससे पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है जिससे दुपहिया वाहनों अथवा सड़क पर चलने वाले लोगों को भी खतरा रहता है। तो इस तरह पर्यावरण प्रेमी की गिरिदेवी के पौत्र विजेंद्र कुमार द्वारा इन ट्रकों की शिकायत भी की जा चुकी है। और जैसा आप देख रहे हैं बिना एम फॉर्म चेक किए निकल गया ट्रक। और आप देख रहे हैं चूना पत्थर से लदा एक और ट्रक, और इस तरह पुलिस सहायता कक्ष के समीप से बिना एम फॉर्म की जांच के निकल रहे हैं। और कई बार एम फॉर्म पे ट्रक साइन किए जाते हैं, मगर एम अथवा डब्ल्यू फॉर्म पे साइन ना होने पर राष्ट्रीय लॉकडाउन के 49वें दिन आप देख रहे हैं पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करते हुए, और इस तरह शाम के 6 बजे हैं, दुकानें बंद होने के चलते बाजार में सन्नाटा है, और तय समय पर पुलिस कर्मियों द्वारा दुकानें बंद करवाई गई थी। और आज भी कुछ वाहनों के चालान हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के लिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं सड़क और बाजार फिलहाल खाली है, और इक्का दुक्का वाहन ही आता नजर आ रहा है।